सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट आ चुका है, फेल या पास कैसे आपको देखना है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे आपको देखना है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आपके पास आगे क्या विकल्प रहेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट cbseitms.nic.in पे, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पे मिल जाता है। तो इस पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है रिजल्ट का, और रिजल्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आपकी स्क्रीन पे इस तरह का ये रिजल्ट का चेक करने का एक बॉक्स आता है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलता है सॉरी नॉट सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब सिंपल इसका लगा सकते हैं आप कि आप फेल हो चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोविजनली सिलेक्टेड का लिखा हुआ आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से दिखाता है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं मेन लिस्ट में, यहाँ पे मेन लिस्ट का क्या मतलब होता है, मतलब मेन लिस्ट मतलब जो 80 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस एग्ज़ाम में किसी को भी फेल या पास नहीं किया जाता है, केवल और केवल जो रिजर्वेशन के आधार पे या कैटेगरी वाइज या फिर जिला में कितना इसमें आरक्षण लगेगा, किस स्कूल में कितने बच्चों का किस कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन होता है उस हिसाब से चुने जाते हैं बच्चे। तो इसलिए इसमें फेल या पास नहीं किया जाता है, केवल सिलेक्शन किया जाता है ओवरऑल बच्चों में से। तो इसका यही मतलब होता है कि मेन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है। अब दोस्तों, इसमें आगे क्या विकल्प होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कक्षा 5 के बाद 6वीं के लिए अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो दोबारा आप इसमें 9वीं में या फिर 11वीं में इसमें एडमिशन के लिए दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको फिर किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर आप फ़िलहाल में अगर आप बात करें तो आप सैनिक स्कूल के फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 6 के लिए, जो सैनिक स्कूल के फॉर्म आ रखे हैं। तो दोस्तों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ये आपका कैसे आपको पता करना है कि फेल हुए हैं पास हुए हैं ये कैसे देखना है, आगे क्या विकल्प है, इस वीडियो में हमने बताया। और दूसरी तरफ आप फेल या पास की जो लिस्ट है वो जिलाधिकारी कार्यालय से या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से या फिर अपने ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।